सर आज आप राजनाथ सिंह से मिले हैं, तमाम जो सेना में भर्ती होने का सपना लिए हुए जो युवक सबको साथ मिलवाए हुए हैं, क्या कुछ रहा है? देखिए राजनाथ सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई वो बिल्कुल पॉजिटिव थी और लोकसभा के अंदर भी हमने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। पिछले दो साल के अंदर सेना भर्ती की जो रैलियाँ हो रही है वो आयोजित नहीं हो रही है, कई जगह एग्जाम दे दिए, फिजिकल हो गए फिर भी उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, और एयरफोर्स का जो और नेवी का ये भी एग्जाम होने के बाद कई जगह रिजल्ट नहीं आए, इन सब मामलों को लेके और विशेषकर सेना भर्ती रैलियाँ आयोजित करने को लेके हमने कहा जब अधिकारियों की भर्ती हो रही है उनका अलग एक सिस्टम है, उसकी भर्ती होती है, फिर बच्चों की भर्ती होनी चाहिए। इसके अंदर दो साल जो कोरोना में बच्चों को कोरोना की वजह से जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सरकार दूसरी नौकरी में छूट दे रही, तो आप इसके अंदर दो साल की छूट देते हुए सेना भर्ती की तारीख की घोषणा करें और आप बहुत उम्मीद रखें देश का युवा जिसके अंदर तमाम स्टेट के बच्चे हैं साथ हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल के अंदर और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंत्र पे इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, पूरी उम्मीद लगा के बैठे पार्लियामेंट चल रही है हमारी सरकार छोड़ेगी, और राजनाथ सिंह जी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही आपको खुशखबरी देंगे और उम्मीद मैं भी करता हूँ बच्चों के सेनापति की जो रैलियाँ और ये तमाम मामले इन पे जो 5 से 7, 10 से 15 दिन के अंदर कोई ना कोई तारीखें और इसकी घोषणा होगी। अगर बाई दफे नहीं होता है तो फिर आप क्या इस आंदोलन को आगे ले? मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ बच्चों के, मैं भी बैठ जाऊंगा आके, और क्या जब अगर नहीं होगा, एक बार तो मंत्री जी ने आश्वासन हमें दिया है, पूरी बात हमारी आधा घंटे बैठ के सब लोगों की सुनी है, एक एक बच्चे की बात सुनी है और मुझे लगता है बच्चे इस बात से संतुष्ट होंगे, आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे इस मामले में, और उसके बाद भी नहीं होता तो हम इनके साथ सड़क पे अगर बैठना पड़ेगा तो सड़क पर बैठ के देश के जवान बच्चे जो सेना में जाने के उत्सुक के जो 350 किलोमीटर सुरेश ने दौड़ लगा के ये आया, तमाम अलग अलग स्टेट के बच्चे जो दिल्ली के अंदर खुद के साधन संसाधनों से आज दिल्ली में आंदोलन करना बड़ा टेढ़ा काम है, खुद के खर्चे से बच्चे आंदोलन करें, निश्चित रूप से इनकी भावनाएं सेना में जाने की, कोई नौकरी लगना इनका नहीं है, इनका सेना में जाके जो जज्बा है सेना में जाके देश की सेवा करें, तो इन बच्चों के साथ हनुमान बेनीवाल और पूरे नौजवान देश के साथ अवसर लेके और इनके साथ सड़क पर बैठना पड़ेगा, सड़क पर बैठेंगे आवश्यकता सड़क की नहीं पड़ेगी, जल्दी सेना भर्ती रैली की घोषणा करवाते हैं। सर खबरें ऐसी आ रही है कि सेना में भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जवान लिए जाएंगे, देखिए ये मेरे पास ऐसी कोई जानकारी।